How has been your experience traveling in India, and what other places have you covered? It's been really great. It's also been challenging as well, like getting around. Well, hello guys, and welcome back to the sixth vlog in the series. देखा जाए तो यार कहाँ से निकालूं बाइक समझ में नहीं आ रहा मुझे. एक बार देखते हैं उस साइड जाने का है या नहीं. बाइक्स खड़ी तो हैं उस साइड लेकिन पता नहीं कि अभी हम हैं आज जैसलमेर में. जो बाकी की जगह हैं उनको आज एक्सप्लोर कर रहे हैं हम. नज़ारा देखिए अपनी बाइक का. तो अभी हम हैं गढ़ीसर लेक में जो जैसलमेर सिटी से एकदम चिपक के बिल्कुल बराबर में ही है. नेक्स्ट टू मैक्स मेन रोड से 300-400 मीटर साइड में होगा. और अभी आपको व्यू दिखेगा लेक का इस साइड से. ये देखो देख रहा है वो सामने उधर लेक है. लोग कुछ बोटिंग भी कर रहे हैं वहाँ पे. तो फटाफट से चलते हैं नीचे देखते हैं क्या सीन है. तो और... मैंने सोचा आज स्टे करता हूँ जैसलमेर में, थोड़ा रेस्ट करता हूँ एक दिन. देन उसके बाद नेक्स्ट डे मैं वापस घर की तरफ स्टार्ट करूँगा अपनी राइड. एनीवे अभी हम आ रखे हैं गढ़सर लेक में. मैं आपको ज़रा नज़ारा दिखाता हूँ पीछे का. वो उस साइड से पीछे का ही एंट्री है लेक की. बट जैसलमेर क्योंकि एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर है इतनी ज़्यादा भीड़ कि कुछ भी दिख नहीं रहा था. मैं बस पैदल अपनी बाइक खड़ी करके चल रहा था तो मैंने सोचा यार क्या करूँ, लेक तो बड़ा सुंदर है लेकिन वहाँ से व्यूज़ नहीं मिल रहे. तो मैं आगे बढ़ा तो मुझे कुछ भाई लोग मिले. क्या नाम है भाई तुम्हारा, पहले अपना नाम बताओ सारे. मेरा नाम जसू है. इधर आओ वीडियो में आओ फिर बात करेंगे. तुम्हारा नाम जसू है. तुम्हारा? मेरा नाम दिलवर खान. दिलवर खान, इनके बारे में भी आगे बताऊंगा आपको. और जावेद. तो ये भाई मुझे मिला, मैंने कहा भाई मुझे उस साइड जाना है लेक के जहाँ से अच्छे व्यूज़ मिलेंगे. तो इन्होंने बोला हाँ मैं ले चलूँगा तुमको. मैंने कहा चलो ठीक है फिर चलते हैं इनके पास. तो उसके बाद जस्ट अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और ये थोड़ा जंगल साइड ऑफ द लेक है. मेन सारे टूरिस्ट उस साइड पीछे हैं, वहाँ पर बोटिंग वगैरह और भीड़ भीड़ काफ़ी कुछ भसड़ मची हुई है वहाँ पर काइंड ऑफ. तो हम लोग यहाँ शांति की जगह में आ गए हैं. एक स्पेशल चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आपको, दिलवर भाई बजाते हैं एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है मुरली. इन्होंने मेरे को अपनी वीडियोज़ दिखाई छोटी सी उम्र में, अब इनकी केवल 16 साल की उम्र है. बहुत ही अच्छा टैलेंट है, अच्छे सी धुन के साथ वो बजाते हैं और ये शोज़ भी करते हैं इधर उधर जाके इंडिया में, इंडिया के बाहर भी. और ये बिलोंग करते हैं एक म्यूज़िकल फैमिली से जो लोग म्यूज़िक में यू नो एस्टेब्लिश्ड हैं जनरेशन्स बाई जनरेशन्स, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं. ये खड़ी अपनी बाइक पीछे देख सकते हो आप. उस सारा रास्ता पीछे हमने ऑफ रोड का कवर करके आए हैं, बड़ी मुश्किल से एक दो जगह चढ़ा बढ़ा के जैसे तैसे करके निकाल के लाए हैं. तो यार खूबसूरती अलग ही है, मतलब जैसलमेर में एक अलग तरीके की खूबसूरती है जो पहली बार मैं यू नो बीइंग इन अ डेजर्ट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. अभी तक मेरे ट्रिप किसी मेन स्ट्रीम डेजर्ट में नहीं था, पहली बार जब मैं देख रहा हूँ तो बड़ा सही है. और स्पेशली वाटर बॉडीज़ के आसपास आके जो चैन सा मिलता है ना वो अभी यहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, जिसको आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ. एक बार मैं बैक कैमरा से भी आपको दिखा देता हूँ व्यू क्या है यहाँ का. ये है कुछ नज़ारे गढ़सर लेक के. उधर से शहर की साइड से एंट्री है, उस साइड से जहाँ पर ज़्यादातर भीड़ है. देन यहाँ पर ये सामने मंदिर है एक, और इस साइड थोड़ा सीटिंग एरिया वगैरह है. और अभी हम जहाँ खड़े हैं वो थोड़ा जंगल वाला साइड है बोल सकते हो. यहाँ पर मुझे दिखा है एक राजस्थान का ऑथेंटिक डिश जिसका नाम है दाल पकवान. तो भैया यहाँ के ओनर है, वो बताएंगे भैया कैसे बनता है, क्या नाम है इसका, इसके बारे में बताओ जरा डिश के बारे में. इसका नाम दाल पकवान है, जैसलमेर का फेमस चीज है सर. अच्छा, दाल पकवान, इसके ऊपर दाल आएगी. क्या चीज है यहाँ जो आपने दिखाया था, वो पास में दिखाएंगे. पापड़ है सर. किस चीज का बनता है? मैदा का. और उसके बाद क्या डालते हैं उसमें? दाल आएगी, मूंग की दाल. अच्छा, लहसुन की चटनी, मूंग की दाल, मिर्ची दाल. अच्छा, मिक्स करके प्याज वगैरह डाल के. हाँ, नमकीन होता है. लोकल पिज्जा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? राजस्थानी लोकल पिज्जा. राजस्थानी लोकल लोकल पिज्जा. तो विदेशी लोग पसंद भी करते हैं इस चीज को? एक नंबर. अच्छा, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. नमकीन होता है, मीठा होता है? नमकीन होता है ये सर. प्रॉपर नमकीन वाला. और आपकी ये ठेला किस साइड लगता है, इसके लोकेशन बताएंगे? गढ़ीसर लेक. भी हो रहा है शाम का वक्त और ये देखो ये है नज़ारा लेक से. सामने अभी थोड़ी देर में होगा सनसेट. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू एक्सपीरियंस सनसेट वाइल इन जैसलमेर.
और आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह से स्टार्टिंग होती है लेक की वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है, तो आपको अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा सा आगे पेरीमीटर लेके आते हो जंगल के साइड में, तब आप यहाँ पर आके बैठ सकते हो टू वॉच द सनसेट। आई हैव बीन जॉइंड बाई लॉरा इज फ्रॉम UK और ये उसी हॉस्टल में स्टे कर रही थी जहाँ मैं आज रूम लेके रहा हूँ। सो देन वी जस्ट केम आउट टू गटसर लेक सनसेट देखने के लिए। हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग इन इंडिया एंड व्हाट आर प्लेसेस हैव यू कवर्ड? It's been really great. It's also been challenging as well, like getting around as a foreigner, it can be challenging. Mm-hmm. Overall, I had an amazing experience so far. I started in the south, so I started in Kerala and made my way to Goa. Mm-hmm. And then took the night bus over to Hampi, which was amazing, very peaceful place. And then I took the night bus to Aurangabad to see the Ellora Caves, which not that many people know about. Ellora Caves? Like they carved all these like monasteries and temples out of a mountain like thousands of years ago. All right. So it's really impressive. Mm-hmm. And then I made my way to Rajasthan, to Udaipur, and now, Jaisalmer. Yeah. Okay, that's great. So Laura also runs a YouTube channel and she's also active on Instagram sharing her stories of traveling and all. She has been extensively through Sri Lanka. I'm not wrong in saying that, right? Mm-hmm. And then now she's exploring India. So uske baad aaj ka jo plan hai hamara yahan se nikalne ke baad sunset dekh ke, I'm thinking ek baar fort ko bhi cover karte hain sham ke time mein. Fort ke kai sare view points hain, cannon point aur view point jahan se Jaisalmer ka sara aerial view dikhta hai, तो वो देखेंगे। देन उसके बाद और तो कुछ इतना रहा नहीं जैसलमेर में एक्सप्लोर करने के लिए। एक और अपडेट है मेरी तरफ से, वो ये है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मेरे को हल्का सा फ़ीवर हो रहा है आज दोपहर से। हालांकि मैं कल रात कम से कम 9 घंटे सोया हूँ, स्टिल मेरे को अभी वीकनेस लग रही है कल के एपिसोड के बाद। तो अब घर का रास्ता कल से वापस जाने का तैयारी करनी है, तो घर वापस तो जाना पड़ेगा, इतनी दूर आ रखे हैं अभी। तो देखते हैं कैसा होता है, करना तो है ही। आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे वीडियो के थ्रू।